हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड ब्यूटी टिप्स विद तन्नू। और मैं अन्नू आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ लहसुन की चटनी, बहुत ही इजी है, तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ लहसुन की चटनी की। ये हम बनाएंगे मिर्च से। देखिए ये मैंने मिर्च ली है दो रकम की, ये लाल मिर्च है और ये जो हम सब्जी में डालते हैं लाल मिर्च वो है, और वो जो मिर्च है वो रिंकल्स वाली मिर्च है, सूखी जो कम झाग वाली मिर्च आती है वो लिए हैं, आसानी से मिल जाती है आपको बाज़ार में। ये देखिए हम ऐसे इसमें से दाना निकाल लेंगे क्योंकि बहुत झाल होती है मिर्ची, जब इसमें से बीज नहीं निकालेंगे तो फिर मिर्ची में से हमारे तीखापन तेज़ हो जाएगा। ये देखिए अब हम रिंकल्स वाली मिर्ची में से भी सब निकाल लिए हैं बीज। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं, नॉर्मल वाटर रहिए, डाल करके हम इसे दो घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे ताकि हमारी मिर्ची जो पीसने में हमें सॉफ्टनेस हो, बहुत अच्छी तरह से पीसी जाए। देखिए दो घंटे बाद हम मिर्ची के अंदर का सब निकाल लिए थे, इस कारण से देखिए ऐसा हमारा मिर्ची हो गया है। ये मिर्ची में भी निकाल लिए थे हम बीज, अब हम इसे पीसना है। देखिए हम टमाटर लिए हैं, दो बड़े टमाटर लिए हैं और हमने लहसुन लिया है, और ये हम सब मिक्सर में डाल करके सब एक संगे डालने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला महीन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए बनाने के बाद हम इसे छान लिए हैं, छान लेने से जितने भी चंक्स है सब निकल जाते हैं हमारे, फिर वो खाने में मुंह में नहीं आता है, हम टेस्टी लगता है, चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, चंक्स मुंह में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए हमारी कितनी स्मूथ चटनी का पेस्ट निकला है। ये देखिए हमारी चटनी अब एकदम रेडी है, इसका कलर इतना अच्छा है। यदि आप इसमें कलर चाहें तो आप तेल में जो एवरेस्ट की कसूरी मिर्च आती है ना बिना झाल वाली, वो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये चटनी हम अब इसमें छौंक देंगे, तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई करना है हमें। छौंकने के बाद हम मसाला को अच्छी तरह भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब मैं एक स्पेशल मसाला डालूंगी जो चटनी के स्वाद को बहुत बढ़ा देगा। ये मसाला है मैजिक, जो मैगी का मसाला आता है ना, जो अलग से आता है पाउच, इसे आप दो पैकेट डाल दीजिए, छोटी पैकेट आती हैं वो डाल दीजिए, और इसे अच्छी तरह भूनिए, अच्छी तरह भूनते रहिए ताकि ये तेल जब तक छोड़ने ना लगे तब तक मसालों को अच्छी तरह भूनते रहिए। देखिएगा इसमें अलग से तेल छोड़ने लग जाएगा, और हम इसमें कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, हम इसे अच्छी तरह भून के फ्लेम को कम करके हम इसे अच्छी तरह खाली भूनेंगे। भूनने से देखिएगा तेल छोड़ने लग जाएगा तो हमारा मसाला आप समझिएगा रेडी है। अब मैं इसमें ज़रा सा चीनी डालूंगी स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा चीनी डालूंगी ताकि टेस्ट हमारा बैलेंस हो जाए, क्योंकि इसमें टमाटर भी मैंने डाला है, खट्टा बैलेंस हो जाए। देखिए और हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट हमारी चटनी अब रेडी है, बस इन्हें हल्का सा भून करके हमें सुखा लेना है और ये चटनी हमारी रेडी है। हम इसे पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे। देखिए हमारी चटनी अब ऑलमोस्ट रेडी है, तेल छोड़ने लग गया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अलग टाइप की चटनी है, एक चटनी बनती है बहुत ही मसाले देकर, धनिया मिर्च देकर वो तीखी वाली, और ये मोमो चटनी है, ये मोमो के संग खाते हैं। मैं मोमो की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो मैं अन्नू आज लेते हुए था, फिर आऊँगी नई रेसिपी संग, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय व्यूअर्स।